दोस्तों, आपने डिजिटल जूम एंड ऑप्टिकल जूम के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या होता है डिजिटल जूम एंड ऑप्टिकल जूम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल जूम के बारे में। दोस्तों, डिजिटल जूम की हम बात करें तो डिजिटल जूम के अंदर ये एक ऑप्टिकल जूम से काफी अलग है, क्योंकि दोस्तों ये जो है पिक्सल को क्रॉप करके इसको जूम किया जाता है और ये सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। जितने ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उतना ज्यादा जूम होता है इस डिजिटल जूम के अंदर, क्योंकि दोस्तों जितने हाई रिजोल्यूशन का फोटो होगा उतनी ज़्यादा जूम। हम बात करें ऑप्टिकल जूम की। ऑप्टिकल जूम यानी दोस्तों ये एक सेंसर से लेंस को दूर या फिर नज़दीक ला करके जूम इन जूम आउट किया जाता है। जो DSLR कैमरा है ठीक उसी तरह से जूम इन या फिर जूम आउट किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही छोटे से सेंसर में बहुत ही छोटे छोटे लेंस की मदद से किया जाता है स्मार्टफोन के अंदर। हम बात करें DSLR की, मैं आपको लेंस की मदद से कुछ समझाता हूँ। तो दोस्तों ये है लेंस और ये बिल्कुल अगर हम जूम करते हैं तो जो आप लेंस कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा, यानी कि सेंसर से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों जूम इन होगा ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी बिल्कुल भी डाउन नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों सेंसर वही जो कैप्चर कर रहा है जो लेंस से आ रहा है। यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो या फिर फुटेज आप ले सकते हैं ऑप्टिकल जूम की मदद से। तो दोस्तों ऑप्टिकल जूम बहुत ही बेस्ट है डिजिटल जूम के मुकाबले, लेकिन दोस्तों आपको स्मार्टफोन के अंदर डिजिटल जूम ही ज़्यादा दिखने को मिलगा, क्योंकि दोस्तों आप बड़े बड़े लेंस नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप लेंस एसेसरीज मोबाइल की भी आती है तो आप एक्सटेंड करके लगा सकते हैं, उसकी मदद से आप ऑप्टिकल जूम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनबिल्ड बहुत ही कम ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे डिजिटल जूम एंड ऑप्टिकल जूम क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।